खरगोन जिले में आज बेरोजगार युवा मंच और समस्त सामाजिक संगठनों के द्वारा बेरोजगारी निजीकरण और बैकलॉग पदों की भर्ती की मांग को लेकर TIT में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बेरोजगारों ने निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि शासन जल्द से जल्द भर्तियां निकाले और साथ ही सालों से अटकी हुई बैकलॉग पदों पर भी भर्तियां करे। सामाजिक कार्यकर्ता जीतू वर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार शासकीय उपक्रमों का लगातार निजीकरण कर रही है, जिससे बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शासन निजीकरण पर अंकुश लगाए और युवाओं को रोजगार प्रदान करे, अन्यथा ऐसी स्थिति में हताश निराश युवा वर्ग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। समाज में उपस्थित समस्त सामाजिक महापुरुषों को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी बड़े एवं मेरे युवा साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमन होता है। साथियों, आज हम बेरोजगारी रोजगार कई सालों से खाली पड़े बैकलॉग पदों की भर्ती को लेकर देश में बहुत ही गंभीर समस्या निजीकरण को लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, बेरोजगारी की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है, जिससे कि देश के युवाओं के पास डिग्रियां होने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से युवा साथी तनाव में आता है और आत्महत्या कर रहा है। तो साथियों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा? लेकर आज आप धरने पर बैठे हैं। आज हम बेरोजगार युवा संघ एवं समस्त संघ अपनी मांगों को लेकर, विशेषकर तीन मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमने सभी संवैधानिक नियमों का पालन किया है, साथ में ही सरकारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए अपने संविधान धरना दिया है।
आज हम लोगों ने तीन मांगे जो रखी हैं उसमें सबसे पहले बेरोजगारी की मांग, बैकलॉग पर पदों पर भर्ती, और साथ ही साथ में हम लोगों ने अपनी जो हमारे 44 युवाओं के प्रति जो FIR हुई है उसको वापस लेने के लिए ये धरना हमने दिया है। अगर हमारे ये धरने की मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो आगे भी इस तरीके के आंदोलन करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम देव शाक्य मिशन अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।